गोरखपुर मंडल में ऐसा दरगाह न कहीं है, न कहीं होगा, न कहीं देख पाएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहने रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस वक्त सेमरा शरीफ दरगाह पे हूं और ये दरगाह के गेट के पास ये भाई हैं। और आज मैं इस वीडियो में दरगाह का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा और सेमरा शरीफ के बारे में जो भी कुछ हमको पता हो वो सब मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले इनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं। क्या है? उदय आलम कितने सालों से यहाँ बेच रहे हैं? यहाँ हो गया लम से 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया, हाँ। अरे एक दिन में कितना लोग यहाँ पर आते हैं ज्यारत करने के लिए? कम से कम नहीं कुछ आते हैं, तभी 300-400 हर दिन आते हैं लोग। रोज 300-400 लोग यहाँ पर आते हैं लोग। अच्छा, जब भूख लगता है तो बाहर भी आते जाते हैं। अच्छा, और ये सब रहने की जगह है? अच्छा, ये सब रहने के लिए जगह है, हाँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये भाई सामान यहाँ पर बेच रहे थे। और गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा सिमरा शरीफ दरगाह का। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिए। और गाइज मैं अभी सबसे पहले बाहर आ गया हूँ और बाहर से मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये रहा मेन गेट सिमरा शरीफ का, ये खूबसूरत दरगाह का जो मेन गेट है आप लोग देख सकते हैं और बाबे अहमदी यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं इसके अंदर जाऊँगा। और ये जो घर दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं ये, और ये जो घर है इस घर में इनके ख़ानदान के लोग रहते हैं और आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड में भी एक घर है इन। और गाइस मैं अभी महाराजगंज ज़िले में एक सेमरा गांव है जो कि मेरा भी गांव है। और इस गांव का जो दरगाह है आप लोग देख सकते हैं इस साइड में, काफ़ी खूबसूरत दरगाह है और मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर है। और मैं इसका वीडियो सोच रहा था किसी दिन बनाऊँगा, लेकिन आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मुहर्रम का ताजिया रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हुजरा है। और ये पूरा जितना आपको मकान दिख रहा है ये सिर्फ मेहमानों के लिए ये बनाया गया था। और अभी कुछ समय से मेला यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन जितने भी मेले में आने वाले लोग थे वो सब एक एक करके, दो दो करके, 10-10, 20-50, 100 करके रोज़ाना यहाँ पर लोग आते हैं और इस दरगाह का ज़ियारत करते हैं। और काफ़ी नेता मंत्री भी यहाँ पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। और मैं अभी चल रहा हूँ छत के ऊपर, आप लोग को दिखाता हूँ कि छत से क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और गाइस मैं अभी पहले मंजिल पे आ गया हूँ और यहाँ का रूम दिखाता हूँ मैं आप लोग को। जितना भी रूम है आप लोग देख सकते हैं पूरा लाइन से यहाँ पर रूम है। और ये पूरा अभी फिलहाल खाली है, कोई रहता नहीं है। और जिनका ये दरगाह है, जिनके घर का, वो घर जस्ट बगल में ही है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। और इसमें सिर्फ मेहमान चारों तरफ से, जितना ऊपर रूम है उतना ही नीचे रूम है। यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, इस साइड में पूरा गाँव है। और ये रहा गेट, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा और ऊँचा है और काफ़ी बड़ा है यहाँ से दिखता है। और इस साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में ये दरगाह है जो सिमरा शरीफ बाबे अहमदी के नाम से जाना जाता है। और ये महाराजगंज ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश यूपी। और यहाँ से पूरा मकान, पूरा दरगाह का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्चुअली में मेरा गाँव है और मैं अपने गाँव का ये जो दरगाह है यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको आना है यहाँ इस दरगाह पर और गोरखपुर में किसी से भी पूछेंगे हमको सिमरा शरीफ दरगाह पे जाना है, तो मिठौरा के पास जो सिमरा ढाला है यहाँ पर आपको उतर जाना है और वहाँ से आप सीधा इस दरगाह पे आ सकते हैं। ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सब जिनका दरगाह है इन्हीं का है, दूसरे का नहीं है। तो आज मैं ये सब दिखा रहा हूँ। अभी चल रहा हूँ नीचे और कुछ लोग सामान वामान लेने के लिए आए हुए हैं, तो लोग बुला रहे थे कि भाई आप आ जाओ, तो मैं चल रहा हूँ अभी नीचे और उसके बाद देखता हूँ कि क्या कुछ वो लोग खरीद रहे हैं। और जो चादर उधर जहाँ बिक रहा था वहाँ पर और बाकी सामान है वहाँ पर मैं चल रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कौन क्या ले रहा है। और दरगाह का खूबसूरत नज़ारा जब उर्स लगता है उस टाइम देखने के लिए लोग का आँखें तरस जाता है, कितना खूबसूरत लगता है। इसको सजाया जाता है और इतना भीड़ रहता है ये छत पे, नीचे, ऊपर, जितना भी आपको जगह दिख रहा है एक भी खाली नहीं रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो खाली खाली दिख रहा है क्योंकि जिनका ये मज़ार शरीफ है, जिनके ख़ानदान का ये मज़ार शरीफ है, इन लोगों का जगह इतना ज़्यादा है कि ये लोग सिर्फ बना करके मेहमानों के लिए छोड़ रखे हैं भाई। और गाइस अभी फ़िलहाल मैं नीचे आ गया हूँ और अभी चल रहा हूँ हुजरा इसको बोलते हैं, ये मज़ार शरीफ पे अगर जिसको जिसको आना है जी, तो कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे? तो गोरखपुर से आना हो, अच्छा, या स्टेशन से, गोरखपुर स्टेशन से आप बैठेंगे, कहेंगे सिमरा डाला हमको जाना है, वहाँ तक का टिकट बनेगा सिमरा डाला का। सिमरा डाला से 1.5 किलोमीटर ये अहमद अली शाह बाबा का ये मज़ार शरीफ है, अच्छा, सिमरा शरीफ में, अच्छा, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, कितने साल से ये लगता है यहाँ पर? 75 वर्षों से
75 वर्षों से भी पहले से घुस लगता है, हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग तो अभी छोटे हैं। अच्छा। बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमारे कि 75 वर्षों से उर्च कंटिन्यू लगता है। दरगाह के बारे में काफी कुछ आप बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ सामान वामान ले रहे हैं जिनसे मैं बात और जिनके घर का मजा शरीफ है, उन्होंने खुद इसके बारे में आपको बताया और ये सब मैं वीडियो आपको दिखाया हूँ और दरगाह के बारे में जो भी जानकारी इनको था इन्होंने बताया। और मैं अभी छत से आपको गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ और इस साइड में छत के ऊपर से जो ऊपर का हिस्सा है गेट का वो आप लोग देख सकते हैं इतना हैवी और कितना ऊंचा यहाँ पर है। और मैं दरगाह के थोड़ा करीब जा कर के आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ से दरगाह का खूबसूरत नज़ारा कैसा दिख रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इस साइड में पूरे गांव का जो पेड़ पौधे हैं, जो घर मकान हैं यहाँ पर हमारे गांव के, जिस गांव में मैं रहता हूँ, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा हरा भरा आपको चारों तरफ दिखेगा। और ये मजार शरीफ गाँव के बीचों बीच में है और थोड़ा सा साइड में पकड़ता है और ये सेकंड गेट यहाँ पर है और इस साइड में आप लोग बीच में मजार शरीफ देख सकते हैं और सामने एक गेट और देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दरगाह के अंदर एक भाई जा रहे हैं और इस साइड में गांव का घर आप लोग देख सकते हैं, हरा भरा पेड़ पौधे लगे हैं और छोटा छोटा दो तालाब देखने के लिए मिल जाएगा रोड के अगल बगल में और मजार शरीफ के जस्ट बगल में ही है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो खानकाह सिमरा शरीफ है उनके घर का ये सब नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, लाइव मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। और काफ़ी मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट करिए और सिमरा शरीफ का वीडियो अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मैं जस्ट बगल में अभी खड़ा हूं और जो गेट है सबसे ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं यहां पर काफ़ी पुराना है और इसमें छोटा छोटा पेड़ निकल गया है आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से जा करके दिखाता हूँ और ये काफ़ी पुराना है और इससे पहले आप लोग वीडियो में उनके घर के जवान से सुने हैं कि कितने साल से यहाँ पर उस लगता है। आइए जो घर आप देख रहे हैं ये घर में 250 लोग यहाँ पर रहते हैं एक साथ और जिनका ये दरगाह है उनके ख़ानदान का ये पूरा घर है और यहाँ पर रहते हैं। और कुछ और घर है जो दूसरे जगह है वहाँ पर भी लोग रहते हैं। और ये इस साइड में लगनखाना है, काफ़ी बड़ा है, अंदर पूरा बना हुआ है, इसमें लोग जब उर्स लगता है तो खाना खाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये भी एक घर जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ये भी एक घर है, इसमें लोग रहते हैं और इन्हीं के ख़ानदान का घर है। और यहाँ से आपको गांव का घर आपको दिख जाएगा और ये तिरंगा आपको इंडिया का झंडा लहराता हुआ आपको इसलिए दिख रहा है कि कुछ दिन पहले अभी 15 अगस्त गया हुआ है तो हमारे देश में सबसे प्यारा तिरंगा यहाँ पर हर घर के छत के ऊपर कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है और फहराता है। तो आप लोग देख सकते हैं गांव का खूबसूरत नज़ारा ये सिमरा शरीफ से मैं आपको दिखा रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। और यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई इस साइड से क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या खूबसूरत व्यू आपको दिख रहा है। ये मजार शरीफ है सिमरा शरीफ का और ये जब बन रहा था तो भाई हम लोग छोटे थे लेकिन आज इसका महत्व, इसका खूबसूरती हम लोग को पता चलता है और हम लोग देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। और उसके टाइम इतना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जाता है तो आप देख करके दंग रह जाएंगे और आपकी आंखें तरस जाती हैं कि भाई काश एक बार और हम आते और उसके बाद इसको देखते। अगर मैं आपको उसमें यहाँ पर मैं अपने गांव में रहूँगा तो ज़रूर वीडियो बना करके डालूँगा। और यहाँ पर सेकेंड गेट आप लोग देख सकते हैं, जो सेकंड गेट का ऊपरी हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलहाल 5 साल हुआ ये बना है अभी। और यहाँ से इनके घर का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं और इस साइड में आप लोग देख पा रहे हैं। और जो रास्ता आपको दिख रहा है थोड़ा सा पानी है और ये पतला रास्ता गया है, ये मेरे घर के तरफ जाता है और दरगाह से 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। और यहाँ पर लाइट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से लाइट उट सब यहाँ पर
व्यवस्था उपलब्ध है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्राउंड आपको जितना भी दिख रहा है ना, जब उर्स लगता है तो एक भी जगह बैठने के लिए खाली नहीं रहता है। और गाड़ी मोटर जितना भी है 1 किलोमीटर दूर जो है खड़ा हो जाता है, इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो और पब्लिक आराम से अपना जाए आए, जहां बैठना है वहां बैठे और मजार शरीफ का ज़ियारत करे और फातिहा पढ़े। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आपको दिखाता हूं गांव का नज़ारा और दरगाह के जो मकान बने हैं यहाँ पर, वहाँ आप लोग छत देख सकते हैं। ये छत के ऊपर भी पूरा पब्लिक रहता है और एक भी जगह खाली आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं सिमरा शरीफ दरगाह का। तो गाइस अभी मैं छत पे हूँ और अपने गांव का जो भी कुछ नज़ारा था, जो भी कुछ व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिलहाल मैं अभी इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई मजार शरीफ का वीडियो बनाओ, कमेंट भी करते थे भाई मजार शरीफ का वीडियो बनाओ और वीडियो बना के डालो, हम लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि किसी दिन जाऊंगा और आप लोग को पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और ये पूरे गांव का नज़ारा, पूरे गांव का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल छत पे हूं और इस साइड में मेरा घर है और अभी घर से थोड़े दूर पर मजार शरीफ है और ये सिमरा शरीफ के नाम से ये फेमस है और ये महाराजगंज ज़िले में पड़ता है। और गोरखपुर से जब सीधा निचलौल की तरफ आप जाएंगे तो ये उसी रोड पे पड़ेगा, निचलौल और महाराजगंज के बीच में ये है और सिमरा शरीफ के नाम से ये काफ़ी मशहूर दरगाह है। और आप लोग देख सकते हैं अभी मैं दरगाह के पास हूँ और जिसको भी आना है यहाँ पर तो आ सकते हैं और किसी से भी पूछेंगे कि हमको सिमरा शरीफ दरगाह के पास जाना है तो कोई भी एड्रेस बता देगा। और यहाँ पर नेता मंत्री काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा छत, आप लोग देखें कितना लंबा कितना बड़ा है भाई। और ये जितना भी जगह आपको दिख रहा है ना, ये पूरा अभी फ़िलहाल खाली है, लेकिन जब उर्स लगता है तो ये जो दरगाह है इतना खूबसूरत सजाया जाता है कि देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। और ये जितना आपको खाली दिख रहा है, एक भी यहाँ छत पे नीचे अगल बगल हमारे घर तक पूरा पब्लिक ज़मीन पर बैठने के लिए जगह नहीं होता है। और गाड़ी खड़ा करने के लिए तो भाई 1 किलोमीटर पहले ही सब गाड़ियों को रोक दिया जाता है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। और काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहता है। और फिलहाल अभी मैं दरगाह पे हूँ और अभी चल रहा हूँ नीचे। काफ़ी समय से आपको इस वीडियो में मैं बता रहा था और दिखा रहा था। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मेन गेट है और ये रहा दरगाह और ताजी के साथ है। और ये ताजिया पुराना हो गया है क्योंकि मुहर्रम अभी कुछ दिन पहले गया तो फट टूट गया है पूरा। और गाइज मैं अभी लास्ट में मजार शरीफ के अंदर मैं आपको चल के दिखाऊंगा कितना खूबसूरत अंदर लगता है। और एसी नहीं लगा है अंदर, लेकिन ठंडा एसी से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर इतना खूबसूरत लगता है और इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आ करके कि जिसका हिसाब नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। आप खुद आ करके यहाँ पर देख सकते हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग को पता है। और यहाँ पर एक कब्र और है जो ये मजार शरीफ है, जो वली अल्लाह हैं उनके वाइफ का ये मजार शरीफ है। आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर कब्र है और इस साइड में एक कब्र है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। और हमको पता था पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भूल गया हूँ तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। और मैं चलता हूँ मजार शरीफ के अंदर और आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ से मजार शरीफ के अंदर कैसा दिख रहा है। और मजार शरीफ के अंदर मैं इसलिए आया क्योंकि आप लोग बोलेंगे भाई कि मजार शरीफ के अंदर का वीडियो आपने नहीं दिखाया, तो मैं आप लोग को मजार शरीफ के अंदर का वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूं। और मैं इजाज़त लिया हूं और उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोग को लाइव दिखा रहा हूं। और ये पहली बार ऐसा है यूट्यूब पे सिमरा शरीफ का मजार शरीफ के अंदर का वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि ये मजार शरीफ के अंदर का वीडियो आप लोग इस तरह से नहीं देखे होंगे और इतना क्लियर, इतना नज़दीक जाकर आप लोग को कोई नहीं दिखाएगा। और इस चैनल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट करिए और सिमरा शरीफ दरगाह का ज़ियारत कीजिए
और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप लोग अपने आँखों से लाइव देख सकते हैं। और मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ सेबरा शरीफ का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ घूम करके। और यहाँ पर अरबी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो लोग पढ़े हैं वो लोग पढ़ के अपना समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक कब्र है, एक कब्र जो वलीअल्लाह है, सेमरा शरीफ के नाम से ये काफ़ी मशहूर है। काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं। पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा जगह नहीं है भाई कि जहाँ के लोग यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते ना हों। हर जगह के लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं। और मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये मज़ार शरीफ के अंदर चार दरवाज़ा है, और चार दरवाज़ा एक जैसा बना है, एक जैसा दिखता है, जिसमें से तीन दरवाज़ा खुलता है और एक दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। और इसके अंदर औरतों को जाना सख्त मना है, और जो औरतें आती हैं बाहर से ज़ियारत करती हैं। और मैं अपील करता हूं कि अगर औरतें इस दरगाह पे या किसी दरगाह पे अगर जाएं तो बाहर से ज़ियारत करें और बाहर से सलातो सलाम पढ़ के अपने अपने घर पे जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेमरा शरीफ का दरगाह का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं अभी इस साइड से आपको बाहर निकल के दिखाता हूं कि यहां पर जो मेन गेट है, जो दरगाह का जो दरवाज़ा है, वो चारों तरफ से एकदम सेम है, एकदम एक ही जैसा चारों तरफ से बना हुआ है। तो आप लोग इस साइड से भी देख लिए, और मैं उस साइड चलता हूं और दूसरे साइड में कैसा है आप लोग लाइव दिखा देता हूं, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि मैं गलत बता रहा हूं। अगर इस वीडियो में कुछ भी गलती हो गया तो यार माफ़ करिए आप लोग। और मैं आपको अभी बाहर निकल के दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं इस साइड में भी सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी चारों तरफ से आपको एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। और मैं मज़ार शरीफ के दूसरे हिस्से में मैं आ गया हूं, और चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं पूरा जाली लगा हुआ है, और चारों तरफ से एक गुंबद मीनार टाइप बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुरान वुरान सब रखा है, और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं ताजिया एक छोटा सा रखा है, क्योंकि मुहर्रम कुछ दिन पहले गया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं इस साइड में भी एक दरवाज़ा है, और यहाँ पर एक कब्र है, जिनके बारे में पिछले समय भी आपको जिक्र कर दिया हूँ कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको पता था लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भूल गया हूँ। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं एक दरवाज़ा, चारों तरफ से एकदम सेम है। और जब मज़ार शरीफ के बाहर आप निकलेंगे, बाहर से आप पूरा चारों तरफ से घूमेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे कि एक जैसा आपको चारों तरफ से जो दरवाज़ा है वो एक जैसा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो दरगाह है, जिनका मज़ार है, जो वली अल्लाह हैं, उनके वाइफ का ये कब्र है। और मैं अभी फ़िलहाल बाहर निकल रहा हूँ, बाहर का जो मज़ार शरीफ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और भी वीडियो काफ़ी मेहनत लगता है भाई, और काफ़ी टाइम लगता है बनाने में और आपको दिखाने में। और मुझे इसीलिए टाइम लगा, काफ़ी कुछ इसमें दिखाना था और मैं और बाकी कुछ नहीं दिखा पाया हूँ, काफ़ी और जगह है दिखाने के लिए, तो मैं अलग से वीडियो आप लोग को बनाऊँगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो घबराइए नहीं, आप लोग दिल थाम कर बैठिए और सेमरा शरीफ का ये खूबसूरत नज़ारा आप लोग अपनी आँखों से लाइव देखिए, और ये दरगाह का ज़ियारत कीजिए। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मज़ार शरीफ के साइड से मैं आपको मेन गेट का भी नज़ारा आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों और रिलेशन वालों को भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। और ये वीडियो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।